जब प्रैक्टिस खत्म होती है ना गाइस, तो आखिरी में हम रनिंग करते हैं। तो अभी हमने 5-6 राउंड मारने ग्राउंड के भाग के। तो आप लोगों को पता है क्या होता है सैटरडे, तो आज हमने जाना अपना सोनेट क्रिकेट क्लब प्रैक्टिस करने। फिलहाल मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रखी थी, अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ। 8 बजे हैं 9:30। ये देखो अभी मैं रजाई में हूँ पूरा, ये मैं अपनी किट बैग के साथ ही सोता हूँ। ये मेरा पूरा बैट है, किट बैग है, सब कुछ है। बहुत भयंकर है, बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। तो गाइस अभी अभी उठे हैं हम, तो फटाफट से हम रेडी होते हैं और रेडी होने के बाद आपसे मिलते हैं। और क्या बोल सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करिए फटाफट से, 600 के क्लोज है। फटाफट से 600 करते हैं अपने, फिर 700, फिर 8, फिर 9, फिर 1000, फिर जनरली आगे चलती जाएगी। मेन एम हमारा पहले 1000, ठीक है। और गुड लक, गुड लक मेरे को भी यार। ठंड में सबसे ज़्यादा कठिन टास्क होता है ठंड में जाके नहाना। नहाना आपको पता है ना भाई, इतना ज़्यादा मुश्किल कठिन टास्क है ना, क्या करें भाई, नहाना पड़ेगा ठंड में। चलो फटाफट से उठते हैं, अभी चलते हैं नहाने, फिर तैयार होते हो, तैयार होकर आप लोगों से मैं मिलता हूँ। चलो फिर अभी हम अपना किट बैग पैक करने जा रहे हैं। किट बैग क्या, बॉलर्स का तो एक छोटा सा बैग ही होता है। तो पहले तो आपको मैं दिखाता हूँ अपने बैग में क्या क्या चीजें रखता हूँ। आ गया, ये हो गए मेरे क्रिकेटिंग स्पाइक्स, ठीक है। ये नीचे स्पाइक्स हो गए, स्पाइक्स दिस गए हैं, मेरे को नए लेके आने हैं, मतलब नेल्स नेल्स नहीं लेके आने, और स्पाइक्स भी नहीं लेने यार, हार्ड हो गया। उसके साथ जुराबे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जुराबे हैं। एक पैर में मैं 3 जोड़े डालता हूँ, ठीक है, फास्ट बॉलर की ग्रिप अच्छी बन जाती है। और अभी यहाँ कपड़े आएंगे, ये मेरे रनिंग शू है सारे, इसमें मैं वहाँ पर एक्सरसाइज खत्म होने के बाद थोड़ी फिटनेस करता हूँ वो है। और ये हो गया हैंड सैनिटाइजर, ये हो गया सनस्क्रीन, ये भी होगी सनस्क्रीन, ये लिप बाम वगैरह, कभी बूल वगैरह फट जाते हैं तो ये लगानी पड़ती है, सिलाई से बाल अंदर होते हैं। और ये ड्रेस है अपनी, ये देखो, ये अपनी, ये अभी हम डालेंगे क्योंकि ठंड बहुत है, वहां जाके कपड़े उतार के चेंज करूंगा तो भाई वाट लग जाएगी अपनी। यहीं से कपड़े कुपड़े डाल के जाऊंगा, यहीं जैकेट डालूंगा, वहां जाके सीधा ही सुपरमैन छड़क खेलो खाली। ये मेरे को जब मेरी फर्स्ट एकेडमी थी एयरलाइन क्रिकेट एकेडमी, तो वहां पर मेरे को एक सर ने गिफ्ट करा था। और देख लो मेरे को एयरलाइन क्रिकेट एकेडमी में कम से कम भी छोड़े हुए को 3-4 साल हो गए, अभी तक स्वेटर संभाल के रखा और इतना बढ़िया लगता है ये स्वेटर लोग ढूंढते हैं, ये क्रिकेट का बेसिकली होता है ना बढ़िया सा। और अभी हमने ये पजामा डाल के जाना है गर्म, और ये जैकेट डाल के जानी है। फटाफट से तैयार हो जाता हूँ, बहुत ठंड है, वहां जाके जो कपड़े उतार के एक्सरसाइज करनी है ना, तो पूरी शरीर में पहले तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलो वहां जाके फिर आप आपको दिखाते हैं क्या होता है, पहले हमें नाश्ता भी करना है। चलो, जो ये वाला रैक है गाइस, ये सारा मेरा फिटनेस के सामानों से, बॉलों से भर रखा है। इसमें से खाली हमको ये लेके जाना है कूदने वाली रस्सी, आज इसका ही काम है। ये थेरा बैंड वगैरह देखो, मोटा देखो कितना है। और बॉलें इसमें से नहीं, ये वाली नहीं, ये लेके चलते हैं। रिवर्सिंग बहुत अच्छी होती है गाइस ये वाली बॉल। और एक ये डाल लेते हैं कैचेस के लिए, यही रख लेते हैं कैचेस के लिए, ठीक है। और ये अपने पास एक सिंथेटिक की भी पड़ी है, 2 लेके चलते हैं आज, बॉलें 2 बहुत है। इससे हम थोड़ी बॉलिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, ये जो पड़ी है, और इससे हम कैचेस कर लेंगे। यार तो हम लोग रेडी हो गए हैं, ये देख लो जैकेट, बहुत मोटी जैकेट है भाई, ठंड लग रही थी मेरे को, मैंने डाल ली जैकेट, नीचे लोअर और नीचे अपनी चप्पल डाले कम्फी। तो चलो फटाफट से निकलते हैं, बढ़िया एंगल आ रहा है ना, तो चलो फटाफट से निकलते हैं और पहुंचते हैं, क्योंकि 11 बज गए हैं और हमको वहां पर 12 बजे तक पहुंचना है। लेट्स गो बड़ी, लेट्स गो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल, सब्सक्राइब। चलो फिर निकले, बाय बाय मम्मा, शाम पे आता हूँ मैं, डेली टेकता हूँ। तो गाइस ये अपनी गली में देख लो, धुंध हो रखी है हल्की हल्की, ये हमारा दोस्त कोको, कोको इधर आ गया। हेलो कर, हेलो कर, हेलो कर ले, बड़ा अच्छा दोस्त है हमारा। चल ठीक है, जा रहे हैं, शाम में मिलते हैं, बाय बाय, बाय बाय कोको, बाय बाय। ये छोड़ेगा नहीं।
ओए चल बाय बाय। तो गाइस आज जो टेम्परेचर हो रखा है ना, कुछ हो रखा है 10 के करीब, 10-11। रात को तो गाइस 6 पहुंच गया था, रजाई ली थी मैंने, रजाई में भी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना गाइस मेरे को, का ही बताऊँ मैं आपको। फिर उसके बाद मैंने रजाई को क्या करा, रजाई को मतलब कि थोड़ा सा पक्खा, मैं एक नंबर में पक्खा चला के सोता हूँ, यही मेरी गलती थी। फिर मैंने पक्खा बंद कर दिया, एक नंबर में तो ठंड लग रही थी, मैं मच्छर के चक्कर में चलाता हूँ। फिर पक्खा बंद करा, फिर जाके नींद आई मेरे को 4 बजे जाके, मेरे को मच्छरों ने नहीं गाइस। तो बस यहाँ से भी रिक्शा पकड़ते हैं और रिक्शा पकड़ के निकलते हैं अपने हवाई अड्डे पे, यानी सोनेट क्रिकेट क्लब, और आज आप लोग को भी दिखाते हैं कि कैसे प्रैक्टिस होती है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस अपने मेट्रो स्टेशन, और अभी आपको दिखाते हैं यहाँ से, इधर से अपनी एंट्री वगैरह है, फटाफट से एंट्री करते क्योंकि चेक इन के टाइम पे वीडियो नहीं बनाने देते। एंट्री हम कर चुके हैं, मेरे साथ ना ऐसे एक बार ही हुआ था, मैं वीडियो बना रहा था एंट्री करते हुए, तो मैंने ना पुलिस वाले अंकल को बीच में ले लिया, तो मेरे को कहते बेटा वीडियो दिखा नहीं आप मेट्रो, मेरे का अंकल खाली यूट्यूब चैनल है उसके लिए बना रहा हूँ, कहते नहीं नहीं मैं कह चलो ठीक है यार आपकी मान तो मेट्रो आप पकड़ लेंगे, पीछे वाले डब्बे में जाकर, पीछे वाला ज़्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि हमने 2 स्टेशन तो दूर जाना है, खाली रजौरी गार्डन तक जाना है, बड़ी रैंक कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी मेट्रो से, रोज भी जा इंक लाइन से कैसे चेंज करना अपनी कैट के लिए, मेरी मेट्रो अच्छी लगी है जा रही है, कितनी बढ़िया लग रही है पीछे वो आ गया मेरे को क्या बोलते हैं थंबनेल आ गया गाइस। अभी गाइस मैं मतलब कि जैसे मान लो कि अकेडमी संडे को होती है ना, मेरी गाइस हालत बुरी हो गई थी, मेरे को हो गया था सर्दी हो गई थी, पूरी एक हफ्ता सर्दी चली है मेरे को, और ऐसी सर्दी गाइस जो नाक से पानी आता है ना जो सबसे इरिटेटिंग होता है वैसी हो गई थी मेरे को, तो मम्मी ने काढ़े पूड़े पिला के दवाइयाँ खा के स्टीम ले लेके मेरी हालत ठीक करी है, नहीं तो आपको मैं बता नहीं सकता मेरी क्या बुरी हालत हो रखी थी गाइस। अभी थोड़ा सा फ़र्क है, वो मेरे को ना हवा लग गई थी, मैंने क्या करा था पटका जब मैं बांधता हूँ ना तो मैं पटके पे हल्का सा पानी लगा लेता हूँ क्योंकि पटका मेरा लूज़ होता है, तो मेरे को लगता है वो ये सिर पे मैं जो मैं पानी लगाया ना वो सिर ने हवा पकड़ ली और पूरा मेरा सिर दर्द नाक छीके सब चालू हो गई, मैंने कहा अब नहीं लगाऊंगा पानी ठंड में, तो खास की गाड़ी बढ़िया लग रही है ना, बोलते बोलते सांस फूल जाती है गाइस ठंड इतनी हो रखी है। टेम्परेचर आपको बताऊँ, टेम्परेचर करीब ऐसे 11-11 ऐसे हो रखा है अभी, यदि कोई टाइम देख सकते हो तो देख लो, 11:30 बज गए हैं। अकेडमी के अंदर प्रवेश करते हैं, पहले तो यहाँ से एग्जिट कर लें। आज भीड़ नहीं थी इतनी ज़्यादा, उस दिन बहुत भीड़ थी जब मैं आया था भाई साहब, मेट्रो भरी हुई थी, और मेन ये भी है ना कि आखिरी डब्बे में गया हूँ, पहले पीछे डब्बे में जाते थे तो वहाँ भीड़ मिलती थी, चलो फिर एग्जिट करें फटाफट से। क्या है गाइस अपना एग्जिट, यहाँ से आपको दिखाता हूँ अगर कुछ व्यू दिखता है अकेडमी का, तो आज आयुष शायद से आया, आयुष शायद उसको डालेंगे उसको क्योंकि उसके रणजी ट्रॉफी के मैच वगैरह चल रहे हैं ना, अकेडमी तो भरी हुई है भाई, बहुत बच्चे हैं अकेडमी में, फुल भरी पड़ी है अकेडमी, मज़ा आता है, और नेट्स भी लंबे देर तक चलेंगे, कम से कम नेट हमारे चालू होते 1:30 बजे से और ख़त्म होते कुछ 3:30-4 बजे तक जाते, चलो चलते अंदर देखते क्या होगा मोहम्मद वगैरह करके, कोई दोस्त तो देख नहीं रहा अभी तक, बंद करने को पता लगेगा होगा। ये है गाइस अपनी अकेडमी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
अंदर आ गए हैं हम, वहाँ थोड़ी योगा वगैरह चल रही है, थोड़े नेट्स भी चालू हो गए जूनियर्स के, अभी सीनियर्स के चालू होंगे कुछ। सुधीर भी आ गए, सीनियर्स के चालू होंगे कुछ अभी थोड़ी देर तक, आधे एक घंटे तक। तो फटाफट से हम लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं और थोड़ा वार्म अप करते हैं, और आपको भी दिखाते हैं कि वार्म अप हमारा कैसे होता है। ये देखो सारे खड़े हैं भाई वगैरह। अभी फटाफट से मैं 2 मिनट वॉशरूम होके आया, क्योंकि ठंड बहुत है ना, और 2 गिलास पानी पी लिया था सुबह सुबह, तो भाई प्रेशर बना हुआ फुल एकदम। तो फटाफट से वॉशरूम होके आता हूँ, फिर चलते हैं अपने कपड़े चेंज करने। देखो हमारा ग्राउंड गाइस, वहाँ पर बच्चे सिंगल विकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कॉलेज वाले लड़के का कॉलेज का ही ग्राउंड है ना, तो आज सैटरडे है ना, सारे बैठे हुए हैं गाइस। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं रनिंग, थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, वार्म अप के बाद ड्रिल्स वगैरह करते हैं। अभी तो 2-3 दोस्तों का वेट कर रहा हूँ, अभी आया नहीं है कोई, क्योंकि कैमरा वगैरह पकड़ लेंगे ना, थोड़ी ड्रिल्स की शूट भी हो जाएगी। 2 राउंड मारने फटाफट से, 2 राउंड मार के फिर अपन थोड़ी और बॉडी खोलेंगे। तो चलो पहले मैं भाग लेता हूँ, ठीक है। अभी हमने वार्म अप कर लिया अच्छी तरह, अभी थोड़ी सी ड्रिल करेंगे बॉलिंग में, करके हाथ खोलेंगे। मेरे साथ मेरा दोस्त है अक्षय, अरे तू भी आ जा, नाम बता दियो, नाम बता ना। मेरा दिशान नाम है इसका। तो अभी हमने ठंडी हवा चल रही है, तू स्वेटर साले डल लेके आना चाहिए तेरे को, जब तेरे को पता है लोअर बैक के लिए भाई डेंजर है। अभी हो गया हमारा वार्म अप मैक्स टू मैक्स, अभी थोड़ा सा बॉल डाल के, मतलब कि नेट के अंदर ऐसे खड़े खड़े सिंगल विकेट शैडो करेंगे, फिर अपन थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे क्योंकि लेट बॉलिंग आएगी अपनी। तो चलो जर्नी चालू करते आगे की, लेट्स गो बड़ी। शॉर्ट रन से डालने का भी फायदा ये होता है कि बॉडी खुल जाती है। बहुत लोग होते हैं कि वार्म अप करो और लॉन्ग रन अप से डालनी चालू कर दिया, वो थोड़ी गलती होती है, उसमें मसल्स वगैरह खींच सकती है। और सर्दियों का टाइम है, थोड़े छोटे रन अप से डालोगे ना थोड़े मसल्स खुल जाएंगी। अबे ये क्या कर रहे हैं साले,
अबे वार्मअप कर लो अच्छा बॉल है भाई। तो गाइस अभी हम यहाँ पर ओपन नेट करने आ गए, जहाँ मैं बॉल डाल रहा था ना वहीं पर ही बॉल डालने आ गए, क्योंकि वहाँ पर नेट में जब भी बॉलर्स वगैरह बहुत थे तो इस करके यहाँ पर जगह खाली थी, तो यहाँ बॉल डाल रहे हैं। इधर बॉलर दिखाते हो अभी आपको यहाँ का। तो गाइस अभी हमारी प्रैक्टिस ख़त्म हुई है, तो प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद हम तो रेस्ट नहीं करते, वार्म अप कर रहे हैं हम अपना, वार्म अप नहीं सॉरी, जब प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है ना गाइस तो आखिरी में हम रनिंग करते हैं। तो अभी हमने 5-6 राउंड मारने ग्राउंड के भाग के, और कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया ऐसा लग रहा है वो हेरा फेरी वाला सीन देखे, भाग बल्लू भाग। गाइस मज़ा आ रहा है भागने में, और भाग तो ज़्यादा बोला नहीं जाता, इस करके पहले अपनी ड्रिल पूरी करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलो फिर टेक केयर। ये कुछ हो गया ग्राउंड हमारा गाइस, ऐसे सारे चले गए हैं वो देखो, नेट सारे ऑफ हो गए हैं, वहाँ थोड़े बहुत बच्चे हैं पैकिंग कर रहे हैं, हमारी भी पैकिंग हो गई है और हम भी रेडी हो गए हैं। हेलो कर दे बोलो सिंह जी, आप पेट पूजा कर रुक जा रुक जा। तो गाइस ये देख सकते हो वहाँ पूरा बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह है, तो ये कॉलेज स्टूडेंट है सारे, और वहाँ पर वो देखो पिंक लाइन दिख रही हो, तो गाइस वहीं पर ही अगर कोई आता है ना स्टेडियम मतलब ग्राउंड में खेलने, तो जस्ट ये दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस है, यहीं पर ही उतर के आपको सीधा ही ग्राउंड में एंट्री मिल जाएगी, जिसने ट्रायल देने आके ट्रायल दे सकता है। और कब कब ओपन होती है एकेडमी बोलो सिंह? सैटरडे संडे। टाइमिंग क्या रहती है ट्रायल की? 12 बजे से सुबह 10 बजे से जो बच्चे, हाँ 10 बजे से 1 बजे आ सकता है। और बहुत भाई कह रहे थे भाई पूरे हफ्ते होती है क्या, मैंने कहा भाई पूरे हफ्ते नहीं होती है, दिन में हफ्ते में खाली 2 दिन होती है, सैटरडे संडे, ठीक है ये नोट कर लेना गाइस। और चलते हैं, वो देखो टर्फ वगैरह सारी ऑफ है अभी, और ये है कॉलेज वेंकटेश्वर कॉलेज हॉटस्पॉट, ये मैगी पॉइंट है ये बंद रहता है अभी खुलता नहीं। तो चले बोलो जी अपना सामान उठा के, तो लेट्स गो बड़ी। इस वक्त है गाइस हम लोग लिफ्ट में, इतनी तेज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी एकदम सन्नाटा हो रहा है, पीछे सेल्फी बोर्ड चल रहा है, तो अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं गाइस। हट जाओ, आओ भैया आओ, भीड़ काफी ज्यादा थी गाइस। तो अभी ओ यार मैटर अपनी मैटर निकली गई, थोड़ा जल्दी आ जाते, अरे गुरुद्वारे भी नहीं गए हम, कोई नहीं सैटरडे चलते अगले, अब कल तो आना नहीं ना यार, कल ऑफ रहेगा। अगर बात सुन, अगर कल मैं नहीं जाऊँगा ना तो मैं तेरे को फ़ोन कर दूंगा कि बोलो मेरे को यहाँ पर मिल जा, और कल कट्टी रजौरी गार्डन से चलेंगे आप, ठीक है? तो चलो गाइस इसी के साथ यहाँ पर करते हैं आज का ब्लॉग एंड करते हैं, आगे जाके थोड़ा दिखाते हैं आपको मजलिस पार्क से। आज मेरी उंगली पे लग गई गाइस, दिखाऊं आपको? नील पड़ा हुआ है पूरे नाखून पे, लग गई है देखो, दिख रहा होगा गाइस आपको, अगर दिखाऊं ये देखा बिल्कुल ऊपर टॉप पे, ये देखो नील पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि नाखून पे हल्की सी भी ज़्यादा चोट लगती है ना बहुत पेन फील होता है। और भाई यहाँ से व्यू क्या मस्त आ रहा है, आप देख ही सकते होगे सूरज की रोशनी, ये बंदा ग्रेट है हमारा पूरा चिट्टा बना हुआ है गाइस, ये देखो ऊपर से लेके नीचे तक, वाइट इन द मैन। मैं ब्लू गाइस, ब्लू मेरा नीचे ग्रे है ऊपर ब्लू है, बैग भी ब्लू है, पीछे हमारा गुरुद्वारा साहिब है मोतीबाग गुरुद्वारा। तो समझ आ गया ना गाइस आपको यहाँ पर कैसे आना है, ठीक है? तो चलो फिर यहाँ पर इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग एंड, आई होप सो आप लोगों को मज़ा आएगा, अगर मज़ा आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइस थैंक यू यार, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो और इतना प्यार दिखाते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार। और मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं ना रास्ते में, सर आपकी वीडियो से हम आया है, ये फैंस वगैरह जो सब्सक्राइबर्स मिलते हैं यार, दिल से बहुत अच्छा फीलिंग आती है यार। जो मैं देखता था कि यूट्यूबर्स को कि इनके दोस्त आते हैं इनसे मिलने, सर आपकी वीडियो देख के आए हैं, ये आया, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा खुशी मचती है। तो थैंक यू, आई होप सो कि आने वाली वीडियोज़ भी और ज़्यादा अच्छी होंगी क्या होनी पड़ेंगी, और ट्रेंडिंग करनी यार हमने वीडियोज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।